Okay. गुड इवनिंग एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी. एंड आप इस सेशन को देख रहे हैं अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लीड गेट पर. एंड टुडे इज अ सेशन ऑन क्यूपुला फर्नेस. एज यू मस्ट हैव सीन द टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज बेसिकली हम आज क्यूपुला फर्नेस एज वेल एज ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ कॉमेंट. थैंक यू सो मच मनीष कुमार. एंड आई होप कि आपने लास्ट क्लास देखी हुई है. लास्ट क्लास में हमने क्रूसिबल फर्नेस के बारे में डिस्कस किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू फर्दर मूव ऑन विद अवर डिस्कशन ऑन दिस टाइप ऑफ फर्नेस दैट इज नोन एज क्यूपुला फर्नेस. आई जस्ट पुट डाउन द हेडिंग एंड देन मूव फॉरवर्ड. क्यूपुला फर्नेस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन we are going to see a small introduction about an academy. aap sabhi logon ko agar full course karna hai, complete course of manufacturing ya keh sakte hain complete course of mechanical engineering, if you want to complete and prepare yourself for gate and esc examination, then guys aap sabhi log session mein yahan par subscribe kar sakte hain an academy plus platform ko. and charges an academy plus platform ke yahan par aap dekh sakte hain 12 month ke चार्जेस. सब्सक्राइब करना होगा आपको मीनू लाइव कोड से. दैट मींस एंड आफ्टर 10% डिस्काउंट आपकी टोटल फीस 22,500 रुपीस पड़ेगी. उसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है वो सभी लोग 24 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड बाय टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन आपको फुल क्लासेस मिलेंगी. सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपके 30,000 हैं. बट इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब यूजिंग दिस कोड देन 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस 27,000 रुपीज पड़ेगी. सो दिस इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी गाइज. फॉर एक्सेसिंग द ऑल द स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस यू नीड टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दी ऐप जस्ट टाइप द नेम मीनू गुप्ता. या आप इस नेम को भी टाइप कर सकते हैं या इस आई डी को भी टाइप कर सकते हैं. जैसे ही आप इस आईडी को टाइप करेंगे यू विल गेट माय प्रोफाइल. यू नीड टू जस्ट फॉलो द प्रोफाइल एंड उसके बाद आप सारे के सारे फ्री क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं. एंड हियर इज आल्सो एन अनाउंसमेंट दैट मटेरियल साइंस फुल कोर्स ऑन मटेरियल साइंस इज गोइंग टू कम फॉर यू ऑल फ्रॉम 8th of October 2020. ठीक है. और यहाँ पर दीज आर दी क्लासेस उनकी लिंक के साथ सारी क्लासेस हैं. 8th से क्लासेस स्टार्ट हैं एंड द टाइमिंग इज 1 PM टू 2:30 PM. सो इफ यू वांट टू अटेंड दी क्लासेस देन गाइस आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड डायरेक्टली यू लीड टू द क्लास. और ये PDF आपको मीनू लाइव टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. लेट्स क्रैक गेट ESC की जो टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा. मीनू लाइव ग्रुप ऑन Facebook भी आपको ये वाला मिल जाएगा चैनल. आई मीन दिस PDF यू विल गेट. एंड देन ये सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं. देर इज नो सब्सक्रिप्शन नीडेड. सो दिस कैन बी वॉच्ड एंड दिस कैन बी ज्वाइंड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट अगर आपको मटेरियल साइंस मेरे साथ पढ़ना है तो. सो गाइज नाउ स्टार्टिंग हमारा सेशन. फर्नेस हम पढ़ रहे थे एंड फर्नेस में टाइप्स ऑफ फर्नेस में क्रूसिबल फर्नेस ऑलरेडी वी हैव सीन. एंड इन टुडे सेशन बेसिकली हमें क्यूपुला फर्नेस के बारे में पढ़ना है. एंड क्यूपुला के साथ साथ आज ब्लास्ट फर्नेस का भी छोटा सा पार्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं. और क्यूपुला फर्नेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले ये एक बात समझ लीजिए क्यूपुला फर्नेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें समझना है. एंड वन बाय वन हमें इसकी पूरी वर्किंग समझनी होगी. आई होप कि कल ऑल द टाइप ऑफ क्रूसिबल फर्नेस जो है वो आपको समझ में आ गए हैं. फोर टाइप्स ऑफ क्रूसिबल फर्नेस होते हैं. पिट फर्नेस है आपका, स्टेशनरी फर्नेस है, वी हैव गॉट टिल्टिंग फर्नेस एंड द फोर्थ पार्ट वी हैव गॉट द पॉट फर्नेस. उसके अलावा नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे क्यूपुला फर्नेस की तरफ. सो वन बाय वन आई बी गिविंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसे ही हमें देखना है. मुझे कॉमेंट्स नहीं मिल रहे हैं आप लोग के. सो आई जस्ट रिफ्रेश माई स्क्रीन. ओके नाउ आई हैव गॉट. थैंक यू सो मच आशुतोष एंड एवरी वन आउट हियर. चलो स्टार्ट करते हैं क्यूपुला. देखो क्यूपुला फर्नेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेल्टिंग डिवाइस.
सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं. आई विल गिव यू ऑल दी पॉइंट्स एंड आई विल राइट डाउन ऑल दी पॉइंट्स एंड आई एम ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड फिगर ऑफ क्यूपुलर फर्नेस. जो भी जोन होते हैं, दिस कंप्लीट क्यूपुलर फर्नेस इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिफरेंट जोन्स एंड दोज जोन्स हमें यहाँ पर समझने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूपोला इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेल्टिंग डिवाइस. लिखते हैं यहाँ पर, क्यूपोला इज अ kind of melting device. First of all, and the most important part या point about the cupola furnace is that the cupola furnace is used for making the steel or cast iron. Steel or cast iron को बनाने के लिए हमारा cupola furnace basically use किया जाता है. So मैं यहाँ पर लिखती हूँ, cupola furnace is basically used for making cast iron. This is the question that can be asked on in ESE exam also. Cast iron जो है उसे बनाने के basically काम आता है. And large cupola furnace can also give you the capacity of around like 100 tons per hour. क्योंकि cupola furnace जो है it is a very large setup and that setup की help से आप यहाँ पर cast iron बना सकते हैं and as high as 100 tons पर आवर का हॉट आयरन या कह सकते हैं कास्ट आयरन आप यहाँ पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूपोला फर्नेस. तो मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज क्यूपोलास मे प्रोड्यूस अप टू 100 टन्स पर आवर तक ये हमारा क्यूपोला जो है वो बना सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्यूपोला इज अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड फर्नेस जहां पर विच इज प्लेस्ड वर्टिकली. अच्छा ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट शो यू द फिगर ऑफ क्यूपोला फर्नेस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन द फिगर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए और इस फिगर में आपको समझ में आएगा स्मॉल स्मॉल बातें जो कि मैं आपको दिखाऊंगी. देखिए सबसे पहले इसको देखिए, दिस इज आपका स्टील का शेल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, क्यूपोला इज अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड शेल मेड अप ऑफ स्टील विच इज हैविंग ब्रिक लाइनिंग. क्योंकि उसको टेम्परेचर का रिफ्रैक्टरीनेस उसकी बढ़ानी पड़ेगी ना, तो स्टील की शेल होती है विच कंटेन्स रिफ्रैक्टरी ब्रिक लाइनिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखती हूँ, क्यूपोला इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप एंड प्लेस्ड वर्टिकल मेड अप ऑफ स्टील विच हैज इंटरनल रिफ्रैक्टरी ब्रिक लाइनिंग ठीक है. तो इंटरनली इसके पास एक ब्रिक लाइनिंग होती है. उसके बाद ये आप जो ब्राउन कलर का आप देख पा रहे हैं, दिस इज स्टील का सेटअप. दैट मीन्स सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो कि स्टील का बनाया हुआ है और ब्रिक की लाइनिंग हुई है और ये एक वर्टिकल सेटअप है. गाइज अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्टिकल सेटअप है एंड वन बाय वन करके इसके सारे कॉम्पोनेंट हमें समझने हैं. विभोग सोनी सबसे पहले टाइप किए हैं वहाँ पे ट्यूयर्स एंड आफ्टर दैट ही इज टेलिंग दैट बिट कन्फ्यूज है ना, बिट कन्फ्यूज बोल रहे हैं. अरे पढ़ाने तो दो विवेक सोनी, आप बिना फर्स्ट लेट मी डिलीवर द लेक्चर उसके बाद आप कंफ्यूज हो तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है. चलो देखो यहां पर ऑफ कोर्स विवेक पूछ रहे हैं हु इज सरमाउंटेड ओवर हुम. एक बात ये सोचो यार कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द
आयरन इज अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस. हम स्टील का शेल बना रहे हैं डियर, अगर हम स्टील का शेल बना रहे हैं तो उसका भी तो मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग उसी के आसपास होगा. तो ऑफकोर्स ये बात है, उसका रिफ्रैक्टरीनेस बनाने के लिए फायर ब्रिक्स का हम यूज़ करेंगे, तो इंटरनल लाइनिंग हम यूज़ करेंगे ताकि स्टील जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए. अभी इसमें सरमाउंटेड ओवर होम वर्ड हम क्या बोलेंगे, इस ब्रिक लाइनिंग विल बी सरमाउंटेड ओवर, आपकी जो है स्टील की शेल जो है उसको सरमाउंट करेगी ब्रिक की लाइनिंग को, वो एक इंटरनल सर्फेस होगा आपका. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके. यहां पे समझिए, देखो लगभग द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल क्यूपोला सिलेंड्रिकल शेप्ड आपका जो ये रिफ्लेक्टरी ब्रिक लाइनिंग जो स्टील का स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर लगभग 0.5 से लेकर 4 मीटर तक हो सकता है. द डायमीटर मैं लिख रही हूँ, पहले देखो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, देर इज अ कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑल्सो. तो सेकेंड पॉइंट इज डायमीटर इज ऑफ 0.5 से लेकर के 4 मीटर तक, सॉरी एमएम लिख दिया मैंने, 4 मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है. 4 मीटर तक मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0.5 से लेके 4 मीटर तक. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे दीज आर द फर्नेस लेग. ठीक है, द होल सेटअप इज सपोर्टेड ऑन 4 लेग्स जो कि ये आपको ब्राउन कलर के या आप कह सकते हैं कोको कोला कलर के आपको दिख रहे हैं. द होल सेटअप इज सरमाउंटेड और केप्ट अबव द 4 लेग्स एंड द दिस थिंग इज केप्ट ओवर. उसके अलावा आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं, दीज आर द बॉटम ड्रॉप्ड डोर्स. वॉट आर दीज बॉटम ड्रॉप्ड डोर्स, एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस बॉटम ड्रॉप्ड डोर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, मैं लिख देती हूँ, दीज आर बॉटम डोर इन ड्रॉप्ड पोजिशन. सी वॉट एवर फ्लक्स, देखो देर इज ऑल्सो स्लैग होल, ये यहाँ पर एक स्लैग होल भी है. सो वॉट एवर स्लैग विल बी जेनरेटेड, अगर वो यहाँ पर आता है तो देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपको शायद कास्टिंग में, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कास्टिंग नहीं की होगी. देखो फ्लक्स का काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना आपको कि जो फ्लक्स होता है इट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज. अभी बस लेमन लैंग्वेज में इसको समझिए, फ्लक्स जो है वो एक तरीके का इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड यूजुअली व्हेन द फ्लक्स विल रिएक्ट विद द इम्प्योरिटीज इट विल बी ऑफ लाइटर डेंसिटी, और फ्लक्स जो है वो आपका फ्लोट करेगा और फ्लोटिंग पोजीशन से इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ पैसेज वहाँ से आप फ्लक्स को रिमूव कर सकते हैं. तो ये है आपका एक स्लैग होल. स्लैग एक तरीके की इम्प्योरिटी होती है एंड यहाँ से आप स्लैग होल्स की हेल्प से आप जितना भी स्लैग होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं. अभी यहां पर देखो दिस इज अ होल जहां से आपका हॉट मेटल आउटपुट किया जाएगा, दैट मींस पोरिंग की जाएगी. ठीक है, ये जो पार्ट है यहां से आपका जो मेटल है वो पोर किया जाएगा. एंड दिस इज डाउन साइड द सैंड बॉटम, ये डाउन साइड आपका सैंड बॉटम है. एंड लेट मी टेल यू दिस पार्ट ये जो है दिस पार्ट इज नोन एज वेल. मतलब क्या होता है कि वेल मतलब कि एक टाइप का वहाँ पर कंपाउंड है, एक टाइप का वहाँ पर स्पेस है जहाँ पर आपका मॉल्टन मेटल जो है स्टोर होता है. मॉल्टन मेटल इज स्टोर्ड इन दिस वेल. तो फाइनली जब आपका कास्ट आयरन मेल्ट होकर के आपको मिलता है तो वो वेल्स में मिलता है. नाउ सी दीज आर द ट्यूअर्स, ठीक है, ट्यूअर्स भी बोल सकते हैं इसको. ट्यूअर्स आर द होल्स विच आर मेड फॉर द पैसेज ऑफ एयर. एनी हाउ यहाँ पर आपको कंबशन प्रोसेस करवाना है एंड फॉर दिस कंबशन प्रोसेस एयर की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ट्यूअर यहाँ पर देखो एयर ब्लास्ट इनलेट है, यहाँ से आपकी एयर को सप्लाई किया जाता है और वो ट्यूअर्स से होते हुए आपकी कोक बेड में. सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका कोक बेड है और मैं आपको बता दूँ द चार्ज विच इज गिवेन टू द क्यूपोला फर्नेस इज मेटल प्लस फ्लक्स प्लस कोक. हम कोक क्यों दे रहे हैं, कोक वी आर गिविंग क्योंकि हमें पता है कि कास्ट आयरन में 2% से लेकर के 4% तक परसेंटेज जो है वो कार्बन का होता है. तो एनी हाउ हमें कार्बन देना पड़ेगा. एंड दीज आर टू
चार्जिंग फ्लोर्स, ध्यान से अगर आप देखेंगे ये दो चार्जिंग फ्लोर्स है एंड चार्जेस को लेयर बाय लेयर डाला जाता है, चार्ज को लेयर बाय लेयर डाला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लेयर ऑफ मेटल, देन देयर इज अ लेयर ऑफ कोक, देन देयर इज अ लेयर ऑफ फ्लक्स, देन मेटल कोक फ्लक्स मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर कोक है, तो मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सबसे पहले एक कोक की बेड होगी जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है. 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आप कोक की बेड यहां पे नहीं देते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डायमीटर आपने लिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर. उसके बाद कोक के बाद देर इज मेटल, देन देर इज फ्लक्स, देन अगेन देर विल बी कोक, अगेन देर विल बी मेटल, देन कोक, देन मेटल, देन फ्लक्स. ठीक है, तो दैट मीन्स कोक मेटल फ्लक्स, कोक मेटल फ्लक्स. सो व्हाट हैपेंस इज चार्जिंग डोर से वन बाय वन करके इन द लेयर फॉर्म, इन द लेयर फॉर्म यहाँ पर मेटल को, कोक को, फ्लक्स को इनलेट किया जाता है, एक साथ मिक्सर करके नहीं किया जाता है, ये वन बाय वन करके लेयर्स के फॉर्म में किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इफ यू विल सी इन दिस, आई एम जस्ट सॉरी, ओके वेट, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूयर से, अब आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्किंग ऑफ द क्यूपोला फर्नेस एंड व्हाट आर द जोन्स. सबसे पहले द कोक बेड, द लोवेस्ट कोक बेड का इतना पार्ट इज नोन एज कंबशन जोन. मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कंबशन जोन, क्योंकि मे भी वो वहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है. ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज द रिड्यूसिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, एंड देन दिस वन इज द मेल्टिंग जोन, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज रीहीटिंग जोन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज वेल, आप ध्यान से देखना इसमें क्या है. सबसे लोवेस्ट पार्ट में देर इज वेल, जहां पर आपको मोल्टन मेटल मिलेगा. Above the well there is combustion zone, after above the combustion zone there is reducing zone, and above the reducing zone there is melting zone. So yahan pe well, combustion zone, reducing zone, melting zone, and above that there will be reheating zone. Reheating zone, ye sare zone jo hai wo क्लोजिंग फ्लोर के जो लोअर लेयर हैं उसके नीचे होते हैं. एंड आफ्टर दैट ये जो ओपन टाइप का आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टैक जोन. सो एनी हाउ वेल, कंबशन जोन, रिड्यूसिंग जोन, मेल्टिंग जोन, रीहीटिंग जोन एंड देन स्टैक जोन. वन बाय वन करके यहाँ पर हमें हर जोन की प्रोसेस जो है वो समझनी पड़ेगी. एंड वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग इन ईच एंड एवरी जोन. तो वी विल स्टार्ट विद द लोअर पार्ट, दैट इज वेल. वेल क्या है वो सबसे पहले वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे भी. तो गाइज, वेल इज द स्पेस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्यूयर्स. आप देख सकते हो ये ट्यूयर्स क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से देनी है, ये ट्यूअर्स हैं आपके. ट्यूअर्स के बॉटम और जो नीचे सैंड पड़ा हुआ है, सैंड का जो ऊपर पार्ट है या कह सकते हैं सैंड बेड का जो अपर पार्ट है, उनके बीच की जो भी स्पेस है उसको हम लोग वेल बोलते हैं. वी कॉल इट एज वेल. ठीक है, तो मैं लिखना चाहती हूं यहां पर द स्पेस बिटवीन, द स्पेस बिटवीन द बॉटम ऑफ the tuyeres and the sand bed. The molten metal is collected into this space या this portion. The molten metal, हाँ मैं tuyeres फिर से बताती हूँ वत्सल, एक मिनट. The molten metal is collected into this zone या और portion. हाँ, tuyeres देखो, tuyeres क्या होती है guys, वो pipes की तरह होती है जहां से air की supply दी जाती है. But sir, tuyeres are the pipes of air.
जिससे कि आपको यहाँ पे एयर की सप्लाई दी जाती है कंबशन जोन के लिए, क्योंकि आपको पता है वेल के जस्ट ऊपर आपका कंबशन जोन आता है, वेल के जस्ट ऊपर आपका कंबशन जोन आता है, तो कंबशन जोन में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑफकोर्स ही बात है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो ऑक्सीजन ट्यूबर्स के हेल्प से ही यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पे लिखना है, ये पहला ही हमने वेल के बारे में लिखा था, अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ वो है हमारा कंबशन जोन। कंबशन जोन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इज दैट कंबशन जोन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन जोन। यहाँ पर कंबशन प्रोसेस टेक प्लेस लेता है, या आप कह सकते हो लगभग 30 सेंटीमीटर की हाइट होती है इसकी, कंबशन प्रोसेस होता है और जो कोक है वो कंबस्ट करके या ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, सिलिकन इज कन्वर्टेड इनटू सिलिकन ऑक्साइड, मैंगनीज इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज ऑक्साइड एंड वॉट एवर मेटल्स विल बी प्रेजेंट, या आप कह सकते हो कुछ भी एलॉयिंग अगर वहां पे पड़ा है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है इस जोन में। किस जोन में? कंबशन जोन में। तो मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर ऑल्सो नोन एज कंबशन और ऑक्सीडेशन जोन। ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन जोन, ठीक है, कंबशन ऑफ कोक टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाइट कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कभी भी आप मेंस का पेपर लिखने जा रहे हो तो टेम्परेचर वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज हाईएस्ट एंड लगभग अराउंड 1500 के ऊपर ही होगा, ऑफकोर्स नहीं तो मेल्टिंग नहीं होगी, लगभग अराउंड लाइक 1550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है आपका कंबशन जोन का। तो मैं लिख रही हूँ टेम्परेचर कहाँ तक, 1550 डिग्री सेल्सियस टू 1900 डिग्री सेल्सियस होता है हाईएस्ट ऑफ ऑल दी जोन, हाईएस्ट ऑफ ऑल दी जोन। चलो नेक्स्ट पार्ट, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, हियर एक्सोथर्मिक reactions takes place in this zone. कौन कौन सी? कार्बन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट के फॉर्म में आपको मिलेगा। If there is some silicon present, then silicon will also react with oxygen and silica oxide will be formed. That is SiO2 उसका formula होता है plus heat यहाँ पर भी generate होगी। उसके बाद manganese if available वो भी O2 के साथ react करेगा और MnO form कर देगा, manganese oxide form कर देगा plus heat। अगर मैं इसको balance करूँ तो यहाँ पर oxygen है तो यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ पर 2 कर लो तो balance हो गई आपकी equation। This is the MnO2 नहीं manganese oxide form करेगा विवेक सोन और हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। नेक्स्ट, अब देखो कंबशन जोन के जस्ट ऊपर रिड्यूसिंग जोन है, ये वाला पार्ट देखो, कंबशन जोन के जस्ट ऊपर रिड्यूसिंग जोन है। सो देखो यार, ट्यूयर्स विल डायरेक्टली प्रोवाइड एयर टू द कंबशन जोन, देयर फोर एनी हाउ रिड्यूसिंग जोन में जो एयर है वो लेसर हो जाएगी और यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, रिडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन दिस केस। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रिड्यूसिंग जोन में क्या क्या सिस्टम हो रहा है, रिड्यूसिंग जोन में क्या क्या सिस्टम हो रहा है। तो सबसे पहले
रिड्यूसिंग जोन में, रिड्यूसिंग जोन में टेम्परेचर कितना होगा इस जोन का, पहले लिखती हूँ मैं, द टेम्परेचर विल बी अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर जो है आपका 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका इसका टेम्परेचर होगा. एंड इन दिस जोन जो CO2 है दैट विल रिड्यूस. क्यों? क्योंकि देखो कोक तो अभी भी है. रिड्यूसिंग जोन जो है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो रिड्यूसिंग जोन में भी आपका कोक बेड ही है. अगर कोक बेड ही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ मिलेगा, मतलब कि COKE या आप कह लो C के साथ मिलेगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा. इट विल फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेटर ऑन स्टेजेस दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल मूव अप और वो वहाँ पर मेल्टिंग जोन में जाएगा वेयर दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद आयरन एंड आयरन आफ्टर रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म व्हाट Fe3C बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसी के बारे में लिख लेते हैं. देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग जोन. सो द आउटपुट ऑफ द रिड्यूसिंग जोन जो कि 2 times ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट विल एनी हाउ गो इन दिस जोन. मेल्टिंग विल अकर इन दिस जोन. मेल्टिंग विल अकर, ठीक है. देन क्या रिएक्शन होगी? द कार्बन मोनोऑक्साइड which is formed in reducing zone, will react with iron available, ठीक है. तो क्या reaction होगी? Fe plus carbon monoxide, आपका Fe3C प्लस CO2 बनाएगा. और अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे Fe3C है तो यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और ये 2 है O तो यहाँ पर 2 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड चलो तो यहाँ पर Fe3C जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा. अब नेक्स्ट प्री हीटिंग जोन आता है. मेल्टिंग जोन के आगे आपका प्री हीटिंग जोन आता है. तो प्री हीटिंग जोन में क्या होगा वो भी समझ लो. प्री हीटिंग, प्री हीटिंग जोन में क्या होगा वो भी समझ लो भैया. देखो प्री हीटिंग जोन जो है वो अबव वाला जोन है एंड प्री हीटिंग जोन में एक्चुअली में जो भी चार्ज भेजा गया है उसको प्री हीट किया जाता है फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 1000 डिग्री सेल्सियस और 1100 डिग्री सेल्सियस ताकि वहाँ पे उसकी प्री हीटिंग हो जाए. एंड देन व्हेन द चार्ज विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नीचे तो मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग होकर निकलता रहेगा तो ऊपर वाला जो चार्ज है वो नीचे शिफ्ट होता रहेगा. तो ये जो प्री हीटिंग जोन से होता हुआ जब वो नीचे जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग या आप कह लो रिड्यूस जोन में या मेल्टिंग जोन में वो ऑलरेडी 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड होगा और फाइनली द रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है. चलो नेक्स्ट यहां पर मैं पहला पॉइंट एंड दी ओनली वन पॉइंट लिखना चाहती हूं वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जोन इज टू प्री हीट द चार्ज from room temperature to about 1090 degree Celsius before entering the metal charge to the melting zone. ये है आपका प्री हीटिंग जोन. एंड आपको दिख रहा होगा लास्ट में जो आपका जोन है उसको हम कहते हैं स्टैक. स्टैक इज अ एम्प्टी पोर्शन जहां पर जितना भी यहां पर प्री हीटिंग जोन के ऊपर वाला जो रीजन है तो यहां पर जितनी भी गैसेस अराइज हो रही हैं तो उनको पास ऑन करना है एटमॉस्फेयर में तो वो हमारा स्टैक जोन कहलाता है. स्टैक लिख देते हैं इसके बारे में भी, इसके बारे में भी लिख देते हैं. दिस इज द एम्प्टी पोर्शन
above the preheating zone, the empty portion of cupola above the preheating zone is called as stack. Vivek Soni, ma'am, preheating is done for refinement of grain. Dear, preheating is done so that आपका जो चार्ज है दैट इज ऑलरेडी रेडी फॉर द रिएक्शन इन द मेल्टिंग जोन. समझ रहे हो, मेल्टिंग जोन में पहुंचने के पहले ही वो सारी रिएक्शंस करने के लिए रेडी हो जाए उसके लिए. अदरवाइज जब वो मेल्टिंग जोन में पहुंचेगा तो इट विल टेक अगेन टाइम, है ना, टाइम तो वो लेगा ना, तो प्रोसेस विल बी वेरी स्लो. देयरफॉर हम प्रीहीटिंग यहाँ पे करते हैं टू प्रिपेयर द चार्ज टू रेडिली टेक पार्ट इन द रिएक्शन इन द मेल्टिंग जोन. जो भी रिएक्शन हो रहा है, Fe3C बन रहा है, उसमें वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए हम इसको ले रहे हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे द एम्प्टी पोर्शन ऑफ क्यूपोला अबव द प्रीहीटिंग जोन इज नोन एज स्टैग. इट प्रोवाइड्स द पैसेज टू hot gases to go to atmosphere from the cupola furnace. ये है हमारे सारे के सारे जो भी जोन्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है. फिर से एक बार वन बाय वन करके इन जोन को मैं बताना चाहती हूँ. सबसे पहले आपका वेल होता है जहाँ पर मॉल्टन मेटल स्टोर होता है. आफ्टर दैट, अबो दैट, यू हैव द कम्बशन जोन. इन द कम्बशन जोन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस वेयर द कार्बन इज कन्वर्टिंग इन टू कार्बन डाइऑक्साइड बाई टेकिंग द एयर फ्रॉम द ट्यूवर्स. ट्यूवर्स आर दी, आप कह सकते हो ये पाइप टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लगे होते हैं जहाँ से एयर का पैसेज होता है. एंड आफ्टर that silicon if available is converted into silica oxide, that means SiO2. If manganese is available then manganese oxide ban jayega. Iske alawa bhi agar koi bhi element available hai to wo oxidation process hone ki sambhavna hai rakhta hai in combustion zone. Above the combustion zone there is the reducing zone. In the reducing zone the carbon dioxide will have the lesser amount of oxygen as well as वहाँ पे बहुत सारा carbon already है, coke bed है, तो carbon dioxide will react with coke and will form carbon monoxide and this carbon monoxide will go into the melting zone and in that melting zone carbon monoxide plus iron will form the Fe3C plus आपका carbon dioxide. अब देखो यहाँ पर flux का क्या काम है, flux का क्या काम है, what is the use of the flux in all this process. See, flux is a kind of material. For example, you can say that the chuna jise hum kehte hain, ya aap keh sakte ho flux ki jagah pe chuna use kiya ja sakta hai, calcium oxide jise hum bolte hain. The flux material are lower density material which can readily react with the impurities that are available in the metal and they are already in lower density materials. So, wo jo bhi impurities hain unke saath react karega and after reacting they will form a compound which will also be lesser in density and due to lesser in density to the pure molten metal hai uske upar it will float and floating position se upar jaise doodh se malai nikalte hai na kuch ऐसी सिचुएशन यहां पे होगी और जितना भी इंप्योरिटी है फ्लक्स जो है वो रिएक्ट करके निकाल के ले जाएगा एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल प्योर मेटल. और जितना चाहो इंप्योरिटीज आप फ्लक्स की हेल्प से निकाल सकते हो. यही फ्लक्स का काम है क्यूपोला फर्नेस में भी, यही फ्लक्स का काम आपका वेल्डिंग में भी होता है. सो द यूसेज इज सेम ओवरऑल. तो यहां पर सबसे पहले देखो यार नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहां पर, अच्छा ब्लास्ट फर्नेस आ गया, मैं एक पेज और ऐड करूंगी, यहां पर दो पेज इनफैक्ट ऐड करूंगी. देयर आर फ्यू मोर things to be discussed. So I will just add one page. Okay, चलो next page. देखो यार यहाँ पे first of all charge क्या होता है, charge क्या होता है, charge will be metal plus flux प्लस कोक. मेटल प्लस फ्लक्स प्लस कोक, ये आपका चार्ज होगा. एंड मैं आपको बता दूं फ्लक्स कैन बी कैल्शियम ऑक्साइड,
Calcium oxide can also be used as the flux, and the use of the flux is to react with impurities and being lighter in density, it will float above the pure metal. And hence cleaning action is done. Now the second question is that how much amount of flux is to be used. Now the amount of flux will totally depend upon that what is the composition of metal that you want. Definitely it will depend upon that only, क्योंकि composition of the metal, that means जो caster iron आप बना रहे हैं, that composition will definitely vary. वो composition तो vary करता है, therefore the amount of flux will depend upon the composition of the final metal that you need. चलो नेक्स्ट, मैं यहां पर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन जो क्यूपोला फर्नेस से बनाया जा सकता है वो लगभग मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं. कॉम्पोजिशन ऑफ कास्ट आयरन, सबसे पहले यार देखो कार्बन जो है, ऑफ कोर्स ही बात है, कार्बन देखो यहाँ पे मैं रेंज दे रही हूँ इन परसेंटेज, रेंज आई एम गिविंग इन परसेंटेज. तो देखो सबसे पहले यार आपका कार्बन है, कार्बन जो है वो 2% से लेके 4% तक हो सकता है, तो 1.8 से लेकर के 4% तक आप कार्बन यहाँ पर दे सकते हो सिलिकन, क्योंकि कास्ट आयरन में यार द अमाउंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट दैट यू नीड इज लगभग वेरिंग फ्रॉम हियर ओनली. 4% से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हाई कार्बन हो जाता है. तो जो क्यूपोला फर्नेस में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन जो आयरन में डाल सकते हो वो 4% ही है, उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगा. बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कितने टेम्परेचर में हो रही है, रिड्यूसिंग जोन में कितने टेम्परेचर में जा रहे हैं, एंड मेल्टिंग जो है वो कितने टेम्परेचर में करवाई जा रही है. इट विल डिपेंड अपॉन ऑल दोज प्रोसेसेस. तो यहाँ पर ये कार्बन का रेंज बताया. अब देखो सिलिका जो है वो 0.5 से लेकर के 3% तक हो सकता है, मैंगनीज जो है वो आपका 0.15 से लेकर के 1%. अच्छा देखो अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक बात ये है कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि सिलिका और मैंगनीज जो है वो 3% से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो, या मैंगनीज जो है 1% से ज़्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि आपको याद होगा ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या हो रहा था. ऑक्सीडेशन चैम्बर में आपका जो सिलिकन है, मैंगनीज है, वो ऑक्सीडाइज होकर के सिलिकन ऑक्साइड मैंगनीज ऑक्साइड में चला जा रहा था, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट, एक्चुअली में यू कैन नॉट हेल्प इट. सो देयरफॉर ये एक लिमिटेशन है. अभी मैं डिसएडवांटेज लिखूंगी आपके क्यूपोला फर्नेस का, ये एक लिमिटेशन है, ये डिसएडवांटेज है क्यूपोला फर्नेस का, कि आप सिलिकॉन एंड मैंगनीज का कॉम्पोजिशन यहाँ पे वेरी नहीं करवा सकते हो, बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन ऑक्सीडेशन जोन एंड दैट इज नॉट इन टू अवर हैंड. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सल्फर. सी सल्फर कैन बी, सल्फर इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, तो 0.03 से लेकर के 0.25% तक सल्फर होना चाहिए. फॉस्फोरस, या हो सकता है फॉस्फोरस आपका 0.05 से लेकर के 1% तक हो सकता है, एंड बाकी जितना बचा ये बैलेंस कर लो आयरन होने वाला है.
ठीक है, ये बैलेंस कर लीजिए, ये आपका आयरन हो गया। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन दैट कैन बी बेसिकली फॉर्म्ड इन क्यूपोला फर्नेस। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू मूव ऑन इज टू द मेरिट्स ऑफ क्यूपोला फर्नेस या एडवांटेजेस जो हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ मेरिट्स ऑफ क्यूपोला फर्नेस। मेरिट्स ऑफ क्यूपोला फर्नेस, देखो सबसे पहले इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कोई बहुत ज़्यादा तीस मार खाई का काम नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनिशियल कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट, खर्चा बहुत ज़्यादा कम आता है, लो इनिशियल कॉस्ट। इट इज सिंपल टू ऑपरेट, इट इज सिंपल टू ऑपरेट। नेक्स्ट ऑफर्स हाई मेल्टिंग रेट, ठीक। नेक्स्ट इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर भी अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि फाइनली आप यहाँ पे फर्नेस में कोक को ही बर्न करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअली, इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअली। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो चलो यार डीमेरिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ क्यूपोला फर्नेस, देखो यहां पर यार क्लोज्ड टेम्परेचर या क्लोज टेम्परेचर का कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन में आपका 1500 से लेकर के 1900 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर, देन इन रिड्यूसिंग जोन द टेम्परेचर विल बी 1200 डिग्री सेल्सियस एंड द प्री हीटिंग जोन द टेम्परेचर विल बी अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द टेम्परेचर। लगभग टेम्परेचर जोन्स में इतना ही रहता है, द क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, कार्बन एंड सल्फर पिकअप इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग। आपको पता है कि अगर कार्बन कोक का आपने परसेंटेज ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको कास्टर्ड में मिलने लग जाएगा और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इवन सल्फर, सल्फर इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी और वहाँ पर मेल्टिंग जोन में सल्फर कुछ ना कुछ अमाउंट में रह जाता है, उसको आप कहीं पर भी रिएक्शन करके हटा नहीं सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कार्बन एंड सल्फर पिकअप टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग। इनका पिकअप जो है वो टेक्स प्लेस हो जाता है। आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड इसके बाद मैं यहां पर ऐसे यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँ। देखो लॉस ऑफ आयरन, सिलिकन एंड मैंगनीज भी हो जाता है। सिलिकन मैंगनीज का जो परसेंटेज है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है आपके ऑक्सीडेशन जोन में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लॉस ऑफ सिलिकन एंड मैंगनीज, सिलिकन एंड मैंगनीज, ये भी इसका डीमेरिट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन टेक्स प्लेस करता है क्योंकि कार्बन जला रहे हो आप और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है, देयरफॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है और ये इसका हमारा एक तरीके का डीमेरिट है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन टेक्स प्लेस
एनवायरमेंटल पोल्यूशन टेक्स प्लेस यहाँ पर कहाँ पर, क्यूपोला फर्नेस में। सो डियर ऑल, ये है हमारा क्यूपोला फर्नेस, जिसमें कि सारे के सारे क्यूपोला फर्नेस के जो जोन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टूवर्ड्स द ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस फ्लो। ठीक है, ट्रैप्ड मैम नॉट पिकअप। क्यों भाई विवेक, क्यों नहीं मैं पिकअप बोल सकती हूँ, वाई ओनली ट्रैप। चलो अच्छा मूव ऑन करते हैं। अनिर्बन मजूमदार, इज देर एनी पोल्यूशन, इज देर एनी सोल्यूशन ऑफ दिल्ली पोल्यूशन एट प्रेजेंट। अनिर्बन इस पे रिसर्च आप करिए, अभी फिलहाल हम गेट और ईएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, और यूपीपीएससी का जो पेपर आ रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो ब्लास्ट फर्नेस में मूव करते हैं। गाइस, ब्लास्ट फर्नेस इज सिमिलर टू द क्यूपोला फर्नेस, बट इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस इसलिए दिया गया है, वाई, बिकॉज हॉट एयर ब्लास्ट करा जाता है फर्नेस में, एंड कोक के पास हॉट एयर की हेल्प से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और वहां पर फिर सारी रिएक्शंस करवाई जाती हैं और आपका अगेन कास्ट आयरन जो है वो बन करके तैयार होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे कोई कोयला जलाया नहीं जाता है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की एयर नहीं डाली जाती है, हॉट हाई टेम्परेचर की एयर जो है वो इनलेट की जाती है आपके ब्लास्ट फर्नेस में। हियर इज अ ब्लास्ट फर्नेस फ्लो प्रोसेस। अभी देखो यहाँ पर दिस फिगर आपको क्या शो करता है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देर इज अ कोक प्लांट, कोक मतलब कि कोयले का प्लांट है। देर इज अ सेंटर प्लांट, सेंटर मीन्स वॉट, देर इज दी आप कह सकते हो कि जितना भी फ्लक्सेस वगैरह इसमें यूज करना है, और या कह सकते हो कि कोई अगर स्क्रैप प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है कहीं से, मान लो कबाड़ी वाला है, कबाड़ लेके आया है, उसमें आयरन वायरन है, उसको भी आपको नॉर्मल बनाना है, तो वो एक स्क्रैप प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आयरन ऑक्साइड हैं, फ्लक्सेस हैं, एंड पैलेट्स हैं। पैलेट्स का मतलब कि यहाँ पर अगेन कुछ कह सकते हो कि स्क्रैप वगैरह मटेरियल जो है वो हुआ है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कोक सेंटर प्लांट या कह सकते हो आयरन ऑक्साइड पैलेट्स वगैरह, ये यहां पर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसे स्टैक हाउस में सबसे पहले स्टोर किया जाता है एंड कन्वेयर बेल्ट्स की हेल्प से चार्ज का एंट्री करवाया जाता है। यहां से ऊपर से चार्ज का एंट्री होता है। दूसरी साइड देखो, कोल्ड एयर है आपके पास, कोल्ड एयर में O2 एंड स्टीम है, इनको सबसे पहले अलग से क्या किया जाता है, हीट करा जाता है। यू कैन यूटिलाइज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल आप कोयला चला लो या आप पेट्रोल डीजल कुछ भी करके इनको हॉट एयर, ध्यान से देखो हॉट एयर को यहाँ पर इनलेट कराया जाता है और कुछ कोक भी डलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर, आप ये कह सकते हो पिग आयरन भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि अगर आप कोल का जो, देखो पिग आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, दैट मींस उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ कोक का प्रेजेंट है, कोक जो है वो मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट है, तो अगर आप कोक का जो सप्लाई है उसको कम कर दे, क्योंकि देखो पहले तो लेयर्स में डाल रहे थे तो कोक की सप्लाई को कम नहीं किया जा सकता था, यहां पर हॉट एयर की हेल्प से कोक भी डालते हैं, फिर जो अंदर इंटरनल प्रोसेस हो रहा था दैट इंटरनल प्रोसेस विल टेक प्लेस, यहां से आपका स्लैग निकलेगा, स्लैग को आप यहां पे स्टोर कर सकते हो एंड आपका हॉट मेटल जो है उसको आप स्टोर करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। दिस इज हाउ द ब्लास्ट फर्नेस इज शो। ब्लास्ट फर्नेस में कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी पढ़ना था वो हमें क्यूपोला फर्नेस पे पढ़ना था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूपोला फर्नेस एंड ब्लास्ट फर्नेस। एंड यहां पर आप कार्बन के परसेंटेज को ब्लास्ट फर्नेस में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं करवानी है, यहाँ पे आप ऑलरेडी एयर को गर्म करके अंदर भेज रहे हो, इसीलिए इसको ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है। देयरफोर द परसेंटेज ऑफ कोल कैन बी वेरीड ओवर हियर, आप यहाँ पे पिग आयरन बना लो, यहाँ पे रॉट आयरन बना लो, यहाँ पे जो फॉर्म बनाना है वो बना लीजिए, एंड जहाँ पे जो भी फॉर्म आप बनाना चाहते हो बना सकते हो बाय वेरिंग द परसेंटेज ऑफ द कोल। ठीक है, बाय वेरिंग द परसेंटेज ऑफ द कोल। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस, एंड आई हैव ट्राइड टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ क्यूपोला फर्नेस एंड यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस, एंड टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ फर्नेस। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूपीपीएससी या गेट या एएससी एग्जामिनेशन के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना अमाउंट आपको चाहिए है बस उतना ही मैं यहाँ पर आपके सामने क्लास में डिस्कस कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एंड आई एम डिस्कसिंग दिस
ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट एंड ESE एग्जामिनेशन एज वेल एज SSC JEE एग्जामिनेशन या UPSC एग्जामिनेशन. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड. टुमारो फिर से यही एक क्लास होगी एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिविजन बैचेस कैसे चलते हैं. यू विल गेट दी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट.